आज का हमारा विषय है शंका। जी हां, शंका अर्थात दूसरों के आशय पर संदेह करना, ऐसा सोचना कि कोई हमें हानि पहुंचाना चाहता है, कोई हमसे अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे निकट आया है, ऐसा मानना। और संसार का अनुभव भी यही कहता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु लाभ देना नहीं चाहता। हमारे मन की शंका हमें संसार के कड़वे अनुभवों से बचाती है। शंका वास्तव में हमारे हृदय के अंदर बना दुर्ग है, जिसमें रहकर हम सुरक्षित रहते हैं, किंतु इसी शंका के कारण हम किसी के निकट भी नहीं जा सकते, किसी से प्रेम या मित्रता नहीं कर पाते। हम धीरे धीरे अत्यंत एकाकी और अकेले रह जाते हैं। शंका का ये दुर्ग हमारा कारागार बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? इस कारागार को तोड़ने का, इस बंधन से छूटने का उपाय क्या हो सकता है? यदि शंका का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाए तो मन का रोग भी बन सकता है। अधिकतर मनोरोग वास्तव में शंका का ही परिणाम है। तो विचार करें कि शंका का जन्म कहां से होता है? अवश्य ही भय से। शंका हमारे भय का ही एक भयानक रूप है, ऐसा रूप जो हमें सत्य देखने से वंचित करता है। विचार कीजिए, क्या हमारा भय सदा ही वास्तविक होता है? क्या हमारे निकट आने वाला हर व्यक्ति वास्तव में हमें केवल हानि पहुंचाने का प्रयत्न करता है? इसका जवाब यदि सरलता से ना मिले तो स्वयं का मन टटोलिए। क्या हम सदा दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं? नहीं ना? तो दूसरे भी तो सच्ची मित्रता और सच्चा प्रेम दे ही सकते हैं। ये जानते हुए भी हम क्यों शंका के कारागार में फंसते चले जाते हैं? शंका का एक दूसरा पहलू भी है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। शंका के कारण हम शायद हानि से तो बच जाते हैं, किंतु कई बार लाभ से भी वंचित रह जाते हैं। बुरी नियत वाले व्यक्ति के पास से भी हम लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं, जैसे जहर से भरे वृक्ष के फूल में से भी मधुमक्खी अपने लिए शहद चुरा सकती है। तो शंका से बचने का उपाय क्या हो सकता है? हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है शंका। हम विचार कर रहे थे कि शंका से बचा कैसे जा सकता है, वो भी बिना स्वयं को किसी प्रकार की हानि पहुंचाए। ये सरल हो सकता है यदि हम ठीक से समझ लें कि हमारे भीतर की शंका का कारण बाहर नहीं, भीतर ही है। वास्तव में भय ही शंका का कारण है, किंतु हम जानते हैं कि भय का तो कोई कारण ही नहीं। भय से कभी कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं सकता। संसार का क्रम है कि आज का नुकसान कल का फायदा बन सकता है, आज की हानि कल जीवन का पाठ बनकर दिखाई देती है। अर्थात शंका की तो आवश्यकता ही नहीं जीवन में। विश्वास के साथ संसार में सभी को मिलना, सभी अनुभवों का स्वागत करना और समय आने पर अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपना मार्ग बनाते रहना ही अधिक लाभदायी भी होता है और अधिक सुखदायी भी। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा।